नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने लिए हरी मिर्च, अदरक, एक मीडियम प्याज, टमाटर और ये पनीर। पनीर मेरा होममेड है। पालक की प्यूरी जो मैंने पहले से बना के रखी है, ये घी है, जीरा, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, नमक और हींग। इधर मैंने घी पहले से गैस पे रखा है, जिसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जीरा, हरी मिर्च जो मैंने बारीक चॉप करके रखी है, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अदरक, अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको हल्का भून लेती हूँ। प्याज जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखे थे, आप चाहो तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, पर पालक की प्योरी पहले से बनी हुई है तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसको मैं सुनहरा ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेती हूँ। देखिए मेरा प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लग गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग, हल्दी पाउडर जिसकी क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, मिर्च, आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसको मैं हल्का सा मसाला भूनने तक सेक लेती हूँ। टमाटर जिसकी भी मैंने पीसेस काट के रखी है पहले से ही, ये मेरा पनीर है जो होममेड है, इसका लिंक मैं अगले वीडियो में आपको डाल दूँगी। ये कैसे बनाते हैं, इसको आप कच्चा खा सकते हो, पराठा बना के खा सकते हो, पकोड़े बना के खा सकते हो, ये बहुत हेल्थी होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। अब बनाइए, बहुत अच्छा लगता है और ये देखने में भी नहीं लगता है कि होममेड है या बाहर से ख़रीदा हुआ। देखिए इधर मेरा मसाला घी छोड़ चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना पनीर। पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने पनीर और पालक दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है। मैंने पालक को बॉईल करके फिर पीसा था मिक्सी से, आप चाहो तो इसको कच्चा भी पीस सकते हो, पर बॉईल करने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने सिर्फ पानी को बॉईल किया, 5 से 7 सेकंड इसको गर्म पानी में रखा, फिर निधारा और पीस लिया। ये मेरी गई प्योरी अंदर। इससे क्या होता है, बच्चे जो है वो पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, और इस तरह से आप सब्जी बनाओगे तो बच्चे भी खा लेते हैं, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और कभी लगे कि हाँ कुछ अलग सब्ज़ी बनानी चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। मैंने घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। मैंने घी में सब्ज़ी छोंकी है, आप चाहो तो इसको तेल में छोंक के घी ऊपर से ऐड कर सकते हो, पर मुझे ऐसे ही पसंद है। देखिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।